Hi guys, welcome to my channel. I am Simran Sahani. आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इसमें हम ऐसे बच्चों की कहानियाँ पढ़ेंगे जिनका बचपन उनसे छिन गया, यानी कि वी विल स्टडी अबाउट द चाइल्ड लेबर. कैसे जो बच्चे हैं ना पढ़ पाते हैं ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, किस तरीके से वो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हो जाते हैं. दो कहानियाँ हम पढ़ेंगे, एक बच्चे की जिसका नाम है साहिब और दूसरा है मुकेश. ठीक है, दोनों के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इस चैप्टर के राइटर है अनीश जंग. ये जो राइटर हैंगे इनकी बुक थी ये लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये जो है उसका एक एक्सर्प्ट है, यानी कि शॉर्ट पीस लिया गया है उस बुक में से. तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सबसे पहले हम पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू टेल यू आई एम सिमरन सहानी. मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ाया हुआ है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट गिवन है इंग्लिश की, यू कैन गो एंड स्टडी. और इस चैप्टर के बाकी सभी चैप्टर्स के नोट्स, समरी, क्वेश्चन आंसर्स हैंड रिटन फॉर्म में, टाइप फॉर्म में आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम पर. आई डी दिख रही है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक दे रखा है. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गेट द स्टडी मटीरियल. ओके ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. कैप्शन है चैप्टर का, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. इसमें हम जो रैग पिकर बच्चा है उसकी स्टोरी पढ़ेंगे. तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ उसमें आपका राइटर ने एक बच्चे से पूछा, व्हाई डू यू डू दिस. वो बच्चा क्या करता था, वो उनके पास में जो कूड़े का ढेर लगा होता था उसमें कुछ ना कुछ छानबीन करता रहता था. तो राइटर जाके उससे पूछता है, व्हाई डू यू डू दिस. तो बच्चा वो कौन होता है, वो बच्चा होता है साहिब, जो अपना घर छोड़ के, उसका रियलिटी में उसका घर कहाँ था, ढाका में था. ढाका कहाँ है, हमारा बांग्लादेश के में जो रीजन है ढाका, वहाँ का वो एक्चुअल में रहने वाला था. वहाँ बड़ी बड़ी ग्रीन फील्ड्स को छोड़कर उन लोगों को आना पड़ा एक बिग सिटी के अंदर. क्यों आना पड़ा, एज यू ऑल नो बांग्लादेश वॉर जब हुआ था तो उस समय पे लोगों को रिफ्यूजी बनकर इंडिया में आना पड़ा था. और ये वही लोग हैं, उसी एक कम्युनिटी का बच्चा है साहिब, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. तो उन्होंने अपनी ढाका की ग्रीन फील्ड्स को स्टॉर्म और वॉर की वजह से छोड़ के वो लोग एक बिग सिटी के अंदर आके रहे. एंड बिग सिटी उन्हें क्या देती थी, ग्रेन देती थी, यानी कि रोटी के लिए उन्हें बिग सिटी में आना पड़ा. ओके, तो ये जो बच्चा है साहिब, जब हमारा राइटर उसे पूछता है व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्या क्यों करते हो, तो वो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास तो कुछ नहीं है करने के लिए, इसलिए मैं कूड़े में छानता रहता हूँ. तो जो हमारा राइटर है वो उसको बोलता है गो टू स्कूल. अब वो बोलने के बाद ही उसे लगता है, एकदम से जो राइटर है वो शर्मा जाता है कि मैंने क्या बोल दिया, आई एम गिविंग अ हॉलो एडवाइस. वो जो कूड़ा उठाने वाला बच्चा, उसने उसको एक हॉलो एडवाइस दे दी है, स्कूल होगा बच्चा तभी तो जाएगा. तो बच्चा ऑब्वियस है यही रिप्लाई करता है, देयर इज़ नो स्कूल, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे कम्युनिटी के पास में, मेरे नेबरहुड के पास में तो स्कूल ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ. तो उसमें हमारा जो राइटर है वो कहता है, इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम, मतलब राइटर कहता है कि अगर मैंने स्कूल खोला तो तुम आओगे. तो उस समय पे बच्चे के जो चेहरे पे इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, उसे लगता है कि हो सकता है ये जो इंसान मुझसे बात कर रहा है ये स्कूल खोल देगा तो मैं उसमें चला जाऊँगा. और जब नरेटर ऐसे बोलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि मैंने उस बच्चे को एक उम्मीद की किरण जगा दी है. एंड एट दैट टाइम ही फेल्ट होपलेस कि ये जो बच्चा है इसका तो लाइफ है ही ऐसी, और ऊपर से मैंने इसे एक उम्मीद और दे दी है. फ्यू डेज़ बाद वो बच्चा जो है वापस आता है हमारे नरेटर के पास, हमारे जो ऑथर है उसके पास में, और उसको कहता है इज़ योर स्कूल रेडी, तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया है. तो उस समय पे हमारे जो ऑथर है उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो बस उसको कह देता है कि इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है. मतलब वो उसको कह देता है कि नहीं, मेरा स्कूल अभी रेडी नहीं हुआ है, स्कूल खुलने में तो बहुत टाइम लगता है, और वो बच्चा चुपचाप चला जाता है. एट दैट टाइम द ऑथर टेल्स अस दैट मैंने उसको एक हॉलो प्रॉमिस करा, मैंने उसको एक फालतू की उम्मीद की किरण जगा दी उसके मन में. और वो बच्चा जो है उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, उसकी जो लाइफ है पूरा का पूरा डार्कनेस से सराउंडेड है, उनको हमेशा ही ये हॉलो प्रोमिसेस मिलते रहते हैं जो कभी भी फुलफिल नहीं होते. मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी कि जो हमारा ऑथर है वो रोज़ देखता रहता था उस बच्चे को कूड़े में से छानबीन करते हुए. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, उसने जो हमारा ऑथर है उसने नाम पूछा उस बच्चे से, तो उसने बताया माई नेम इज़ साहिब ए आलम. ठीक है, उसका नाम सुन के हमारा ऑथर हैरान हो जाता है, वो सोचता है इसका नाम कितना आयरोनिकल है. आयरोनिकल मतलब कि होता कुछ, मतलब कुछ और है और रियलिटी कुछ और है. साहिब ए आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि दुनिया का राजा, पूरे यूनिवर्स का राजा. और ये जो हमारा बेचारा साहिब है ये क्या करता था, ये तो कूड़े में छानबीन करता रहता था. तो इस वजह से उसका नेम जो है बिल्कुल ही आयरोनिकल है, उसके जो वर्क है उसके साथ वो सूट नहीं करता है.
हमारा ऑथर रोज देखता था साहिब को और उसके फ्रेंड्स को, और उसने उसको नाम दिया साहिब और उसके फ्रेंड्स को बेयर फुट आर्मी। बेयर फुट आर्मी मतलब वो इतने सारे बच्चे नंगे पैर सुबह सुबह आते थे, मॉर्निंग में आते थे और दोपहर होने से पहले चले जाते थे और आके कूड़े के अंदर तलाश करते थे कि कहीं उन्हें कोई सिक्का मिल जाए और क्या कुछ में मिल जाए। उनके लिए कूड़ा एक एक्साइटमेंट था, उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कुछ मिल जाएगा उसके अंदर से। ओके, तो मून मॉर्निंग में वो आते थे और नून में वो डिसअपियर हो जाते। ओके, तो एक दिन ऑथर उन बच्चों के पास जाता है और साहिब से पूछता है व्हाई आरंट यू वेयरिंग अ चप्पल, यानी कि तुमने जो स्लीपर्स होती है ना पैर में पहनने वाली, वो क्यों नहीं पहनी है, तुम नंगे पैर क्यों हो। तो वो बच्चा सिंपल सा रिप्लाई करता है कि मेरी मम्मी तो लाई नहीं तो इसलिए मैं नहीं पहनता। उनमें से जो कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं अगर मम्मी ला के भी देंगी ये तब भी नहीं पहनेगा, और कुछ एक छोटा सा बच्चा कहता है कि आई वॉन्ट शूज़। तो वहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि वो जितने भी बच्चे थे वो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे कि वो सुबह से लेकर दोपहर तक बिना चप्पलों के नंगे पैर घूमते थे। एंड वी इंडियंस के लिए ये हार्ड नहीं है इमेजिन करना, हमने देखा हुआ है सड़क किनारे पे तो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते, कैसे वो नंगे पैर भीख तक उनको मांगनी पड़ती है अपना घर चलाने के लिए। तो उन्हीं बच्चों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। एंड वो बच्चा बहुत सिंपल सा रिप्लाई कर देता है हमारे नरेटर को कि जो मेरी मम्मी मेरे लिए लेकर ही नहीं आई। अब उस समय पे जो ऑथर है वो उसको एक स्टोरी याद आ जाती है। उसको किसकी स्टोरी याद आती है, उसे एक इंसान की स्टोरी याद आती है, एक मैन की, फ्रॉम उदिपी। ओके, तो एट दिस टाइम नरेटर को एक स्टोरी याद आ जाती है। एक प्रीस्ट का बच्चा था, एक पंडित का लड़का था, कहाँ पे, उदिपी टाउन के अंदर। 30 साल पहले की ये बात है। उदिपी टाउन में एक पंडित का बच्चा था और वो जो बच्चा रोज जब अपने स्कूल जा रहा होता तो उसी मंदिर के आगे जिसमें उसके पापा काम करते होते थे वहाँ जाके प्रे करता था कि मुझे स्कूल जाने के लिए आप जूते दिला दो, भगवान जी मुझे जूते चाहिए स्कूल जाने के लिए। ओके, तो ये 30 साल पहले की बात थी। अब प्रेजेंटली जो हमारे ऑथर हैं वो उस मंदिर में गए, उसी मंदिर में जहाँ पे वो बच्चा प्रे करता था अपने फादर जहाँ उसके काम करते थे, उस मंदिर में वो जाते हैं। वो मंदिर पहले जैसा नहीं था, वो मंदिर डिजोलेट हो गया था, यानी कि अब वो उतना अच्छा नहीं बना हुआ था, बहुत कम लोग वहाँ पे आते जाते थे। और उस मंदिर की बैक साइड में हमारा ऑथर जाता है, वहाँ पे सिनेरियो बता रखा है, रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर पड़ी हुई थी, एक फोल्डिंग पड़ा हुआ था और वहाँ पे कोई अब नया प्रीस्ट था। ऑब्वियस है 30 साल पुराना पंडित नहीं था, कोई नया पंडित उस मंदिर के अंदर अब था। नया पंडित नया प्रीस्ट उस मंदिर में रहता था। उस प्रीस्ट का छोटा सा बच्चा आता है उसी समय जब ऑथर वहाँ पे होता है, उसने शूज़ भी पहनी होती है, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी होती है। तो और वो जैसे ही आता है अपना बैग उतार के फोल्डिंग पे फेंक देता है। तो उस समय पे जो हमारा नरेटर है वो कहता है कि ओके, तो वो जो 30 साल पहले जिस लड़के ने गॉडेस से प्रार्थना करी थी, गॉडेस से प्रे करा था कि मुझे शूज़ मिल जाए, अब वो प्रे पूरी हो गई है, अब वो जो न्यू वाला प्रीस्ट भी है उसके बच्चे के पैर में भी शूज़ हैंगे। तो ये जो इंसिडेंट है ये हमें ये दिखाने के लिए हैगा कि जो इंडिया है उसमें 1 डिग्री ऑफ डेवलपमेंट आ गया, यानी कि 30 साल पहले तक तो जो प्रीस्ट है, जो पंडित हैं, उनके बच्चों के पैरों में भी जूते नहीं होते थे, बट यस एटलीस्ट अब 30 ईयर्स बाद जो प्रीस्ट सन है, जो प्रीस्ट जो पंडितों के बच्चे हैं, एटलीस्ट उनके पैरों में जूते हैंगे। तो ही सेड दैट देयर इज़ अ डिग्री ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया नाउ, बट जो रैक पिकर्स हैं यानी कि जो ये कूड़े उठाने वाली कम्युनिटी के बच्चे हैं, इनके पैरों में अभी भी जूते नहीं है, दे आर स्टिल बेयरफुट आर्मी, या भी नंगे पैर पूरा दिन सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो यहाँ हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब एक दिन साहिब जो है, जो नरेटर है, ऑथर है, उसके साथ जाता है अपने एरिया में। उसका एरिया कौन सा है, कौन सी बिग सिटी में आके वो बांग्लादेश से रहना शुरू करा था, उसने रहना शुरू करा था सीमापुरी में। सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली। दिल्ली के में जो बच्चे रहते हैं उन्हें पता है दिल्ली के साइड में, बिल्कुल ही दिल्ली की जो पेरिफेरी है वहाँ पे एक इलाका बना हुआ है सीमापुरी, वहाँ पे सारे रेफ्यूजी रहते हैं कच्चे मकानों के अंदर। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा ऑथर पहुंच गया है रैग पिकर्स प्लेस सीमापुरी। वो सीमापुरी पहुंचता है और वहां पे बताता है हमारे को दैट हाँ, सीमापुरी पेरिफेरी पे है दिल्ली की, येट इट इज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली से कोसों दूर है। और आगे लगाता है वर्ड मेटामॉर्फिकली। मेटामॉर्फिकली वो क्यों लगाते हैं, देखो दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, दिल्ली डेवलप्ड है, दिल्ली में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लोगों के पास एक लाइफस्टाइल है, लोगों के पास जॉब है, लिविंग है, बट जो सीमापुरी है ना उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो कोसों दूर था दिल्ली से अगर डेवलपमेंट को नापा जाए तो। वहाँ पे जो लोग थे, अब आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे थे, लेट्स स्टडी। तो इसलिए वो एक मेटाफर मारता है, एक आयरोनिकल सिचुएशन फिर से हमें दिखाता है दैट दिल्ली के सटा हुआ तो है हमारा सीमापुरी, दिल्ली के पास में तो है, बट स्टिल इट इज माइल अवे फ्रॉम द दिल्ली।
जो 1971 का बांग्लादेश वॉर हुआ था, इंडियन पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, जिससे बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बन गई थी, उस समय पे बहुत सारे लोग रेफ्यूजी बन गए थे, उन्हें अपना घर छोड़ के आना पड़ा था इंडिया के अंदर, एंड काफ़ी सारे लोग आ गए थे सीमापुरी के अंदर, जो दिल्ली के अंदर जो साइड का इलाका है, वहाँ पर आके रेफ्यूजी ने शेल्टर सीक करा था। किस टाइप के घरों में वो आज तक रहते हैं, मिट्टी के बने हुए घर हैं, टिन की छत डली हुई यानी कि लोहे की छत डली हुई है, और टारपुलिन कहियो के तो लोहे की छत भी नहीं है, खाली पन्नी डाल रखी है उन्होंने। देर इज़ नो सीवेज, कोई सीवेज नहीं है, कोई गटर लाइंस नहीं है, देर इज़ नो ड्रेनेज सिस्टम, जो डर्टी वाटर है उसको बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, एंड कोई रनिंग वाटर भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर पानी नहीं आता है लोगों के घर में टैप खोलने पर। तो बहुत ही हार्ड सिचुएशंस में सीमापुरी के लोग रह रहे होते हैं, एंड 10,000 रैक पिकअप फैमिलीज वहाँ पर सर्वाइव कर रही हैं उस छोटे से इलाके के अंदर, छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी जैसे हाउसेस के अंदर। 30 ईयर्स पहले वो इंडिया के अंदर आए थे, और उनके पास 30 ईयर्स से लेके अब तक कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, यानी कि उनके कोई पहचान नहीं है, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, बट स्टिल दे हैव अ राशन कार्ड। अब आइडेंटिटी नहीं है बट उनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड उनको दिलाया बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने, जिससे कि वो उनको वोट डाल पाए, और जो लोग थे, जो रैक पिकर फैमिलीज थी, वो भी खुश थी राशन कार्ड लेके कि एटलीस्ट वो राशन कार्ड से सस्ते में ग्रेन्स जो होते हैं वो खरीद सकते हैं। आपको पता है ना, राशन कार्ड हमारे पास होता है, अगर जैसे हम चावल और आटा खरीद सकते हैं, तो हमारे जो रैक पिकर्स थे वो भी खुश थे कि एटलीस्ट उनको आइडेंटिटी से क्या करना है, पेट भरना है उन्हें अपना, तो वो राशन कार्ड लेकर भी खुश थे कि राशन कार्ड से वो थोड़ा सा राशन अपने घर में ला सकते हैं। एंड जो पॉलिटिशियंस थे वो भी खुश थे। यहाँ पे हमें डबल साइडेडनेस दिखाई है कि जो पॉलिटिशियन है उन्होंने आइडेंटिटी प्रॉपर तो नहीं दी, बस राशन कार्ड दे दिया जिससे कि वो वोट ले सके। उन्होंने अपने जो हमारा सीमापुरी के लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन सही करने की नहीं सोची, बस उनको अपना वोट बैंक चाहिए था। ठीक है, अब जो उनमें से काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं, एक दिन वो बात करती हैं हमारे ऑथर से, और वो बताती हैं कि हम एलियन लैंड के ऊपर, हम एक ऐसी ज़मीन जो हमारी नहीं है वहाँ पे रहकर भी खुश हैं, क्योंकि ये हमें ग्रेन दे रही है, हमें रोटी दे रही है, और जो हमारी मदर लैंड है ढाका जो बांग्लादेश की, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहते हैं अगर रात को सोने से पहले हमारी पूरी फैमिली खाना खा के सो रही है, हमारे पेट में दर्द नहीं हो रहा है, तो वी आर हैप्पी दैट एटलीस्ट हमें भूखे तो नहीं सोने पड़ा, हम सीमापुरी में रहकर भी खुश हैं। वो बताते हैं कि पिकिंग गार्बेज इज़ आर ब्रेड, गार्बेज उठाना हमारी रोटी है, हमारा सर्वाइवल है, हमारे बच्चे भी यहीं पैदा होते, खेलते भी यहाँ हैं, और बच्चे क्या हैं, पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जैसे जो पेरेंट्स करते हैं वहीं उनके बच्चे करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो पार्टनर्स इन द सर्वाइवल। काफ़ी सारी वुमेन बताती हैं हमारे ऑथर को ये, एंड ऑथर बताता है दे आर इन द टैटर्ड साड़ीज, यानी कि बहुत अजीब सी साड़ियाँ पहनी होती हैं उन्होंने, मैली और पुरानी सी। वो सब वुमेन बताती हैं कि जो भी है हमारी जो मदर लैंड है वहाँ पे तो हमें खाना तक नहीं मिलता, वी आर सैटिस्फाइड विथ सीमापुरी कि एटलीस्ट यहाँ पे हमें दो वक्त की रोटी तो मिल रही है। और जो बच्चे जो है वो एकदम से एक बच्चा बोल पड़ता है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, तो बच्चे जो हैं उनके लिए गार्बेज एक एक्साइटमेंट है, एक रे ऑफ होप है कि कब हो सकता है कि एक दिन उन्हें चांदी का सिक्का ही ना मिल जाए, एक दिन उन्हें 10 रुपये ना मिल जाए, कुछ मिल जाए उन्हें कूड़े के अंदर से। तो बच्चों के लिए जो गार्बेज था वो रैप्ड इन वंडर था, उन्हें लगता था कि वो कोई गिफ्ट है, उसको हम छानते रहेंगे तो उसमें से कुछ हमें निकल कर आ जाएगा। और साहिब भी एक दिन बताता है कि एक दिन मुझे 1 रुपये भी मिले थे और एक दिन मुझे 10 रुपीज़ भी मिले थे कूड़े के अंदर से। उन लोगों के लिए ना कोई एजुकेशन है बच्चों के लिए, ना कुछ और चीज़ है, उनका सर्वाइवल क्या है, कूड़ा। ओके, तो विद दिस हमें पता चला किस टाइप की लाइफ थी हमारे सीमापुरी के लोगों की। अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर में, विंटर का टाइम है, सर्दियाँ हो गई है, और साहिब जो है एक फेंस्ड गेट के आगे खड़ा होता है, वो गेट है एक टेनिस क्लब का गेट, और वहाँ पे दो लोगों को टेनिस खेलते हुए वो देख रहा होता है। उस समय पे जो हमारा साहिब है वो अपने मन में बोलता है आई लाइक द गेम, और ऑथर ये सब कुछ देख रहा होता है। ऑथर उसके पास जाता है तो ऑथर नोटिस करता है कि जो साहिब है उसने पैर में क्या पहने हुए हैं, टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, जो उसकी जो शर्ट है बिल्कुल ही फेडेड टेस्ट कलर शर्ट उसके साथ मैच नहीं कर रहे होते हैं। एंड जो साहिब है वो ऑथर को बताता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है टेनिस, कभी कभी जब कोई भी नहीं होता है टेनिस क्लब के अंदर तो मैं चुपचाप अंदर चला जाता हूँ, जो वहाँ का वॉचमैन है वो मुझे जाने देता है, और मैं वहाँ जाके एक दो झूले झूल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिखाई दिया कि जो साहिब है उसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है टेनिस के अंदर। एंड जो नरेटर है हमारा वो हमें आगे बताता है कि जो टेनिस शूज़ हमारे साहिब ने पहने हुए हैं उसमें एक छोटा सा होल था, वो उस होल को देख के
समझ जाता है कि ये जो शूज़ है उसको किसी अमीर बच्चे ने दिए होंगे, उस अमीर बच्चे ने उन्हें पहनने से मना कर दिया होगा उस छोटे से होल की वजह से, तो इसलिए साहिब को वो टेनिस शूज़ मिल गए हैं। एंड देन ही कमेंटेड दैट वो बच्चा जो बेयर फुट घूमता था ना, उसके लिए तो शूज़ ड्रीम कम ट्रू हैं। जो बेचारा साहिब नंगे पैर दिन रात चलता रहता था, उसके लिए शूज़ एक सपने के सच होने जैसा है। बट जो गेम वो देख रहा है ना, टेनिस गेम, इट इज़ फार ऑफ रीच। वो जो टेनिस है, टेनिस खेलने का सपना जो वो सोच रहा है, वो उसका कभी पूरा नहीं हो सकता है। अब और समय बीत जाता है, कुछ समय बाद साहिब फिर से दिखाई देता है हमारे ऑथर को, और उसके हाथ में एक कनस्तर होता है मिल्क का। वो मिल्क बूथ से आ रहा होता है हाथ में कनस्तर लेके, और बुक में लिखा है स्टील कैनिस्टर, कैनिस्टर लेके वो आ रहा होता है। तो पूछता है साहिब हमारे साहिब से ऑथर कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो वो बताता है कि जो नीचे टी स्टॉल है ना सड़क के नीचे, मैंने वहाँ पे जॉब करनी शुरू कर दी है। मुझे 800 रुपये महीना मिलता है, प्लस सारा खाना मिलता है ऑल द मील्स, यानी कि सुबह का, दोपहर का, रात का खाना मैं वहीं खाता हूँ, और 800 रुपये महीना मुझे मिलता है। और उसने अब चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दिया, वो वहाँ पे किसी टी स्टॉल पे काम करता है। तो ऑथर उससे पूछता है डू यू लाइक इट, और उस समय पे हमारा जो साहिब है वो कुछ भी नहीं कह पाता हैगा। एंड हमें दिखाई देता है अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन डेट वो जो बच्चा था ना, अब पहले उसके मन में एक खुशी होती थी, वो अपना प्लास्टिक का बैग लेकर भी उसके मन में एक खुशी होती थी, वो सरप्राइज रहता था कि उसे कूड़े में कुछ मिल जाएगा। बट अब वो बहुत बर्डन लग रहा था, वो बहुत हैवी लग रहा था, वो कनस्तर उसके ऊपर बहुत बोझ डाल रखी थी उसने, उसके ऊपर एक ड्यूटी हो गई थी। अब जो केयर फ्री लुक था साहिब की शक्ल के ऊपर से, वो बिल्कुल उड़ गया होता है, और साहिब अपने खुद का मास्टर नहीं रहता। नरेटर बताता है कि अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा है। जो बैग था, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला बैग ही था, वो उसका खुद का था, बट जो कनस्तर है वो उस मिल्कमैन का है, उस चाय दुकान वाले आदमी का हैगा। और जो साहिब है, एट द एंड वो चैप्टर को एंड करता है क्या कह के, साहिब इज़ नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन। ये साहिब नाम क्या है, साहिब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब वो खुद का मालिक नहीं रहा है, अब वो एक टी स्टॉल पे नौकर बन गया है, अब वो एक नौकर की ज़िंदगी जिएगा। तो ये दिस हमने देखा कि एक बच्चा जो एक टेनिस भी खेलना चाहता है, और जो एक्साइटेड है पढ़ने के लिए भी, बट स्टिल उसको एट द एंड क्या करना पड़ता है, उसको टी स्टॉल में जाके काम करना पड़ता है, तभी चैप्टर का नाम क्या है, लॉ स्प्रिंग। ओके, तो अब आ गए हैं सेकंड पार्ट पे चैप्टर के, नया कैप्शन पढ़ेंगे अब हम, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, मुकेश, जो एक ग्लास फैक्ट्री में काम करता है, ग्लास से जो बैंगल्स बनती है, चूड़ियाँ जो बनती है, उसकी फैक्ट्री में वो काम करता है, और उसको खुद का मास्टर बनना है, उसे कोई नौकर बन के नहीं रहना है। ही सेड दैट आई वॉन्ट टू बी अ मोटर कार मैकेनिक, मुझे मोटर कार यानी कि गाड़ी का मैकेनिक बनना है। तो ये दिखा रहे हैं दैट उसे अपना मास्टर बनना है, उसे किसी फैक्ट्री में काम नहीं करना है। तो वही ऑथर और मुकेश के बीच की बातचीत अब हम देखेंगे। अब ऑथर गए हैं फिरोजाबाद, फिरोजाबाद क्या है, सेंटर है हमारा ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ का, इंडस्ट्री है हमारी वहाँ पे ग्लास मेकिंग की। हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा है, एक एक्ट भी बना है इंडिया के अंदर कि जो बच्चे हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटीज़, हैज़ार्डियस एक्टिविटीज़, जैसे कि कोई कोल माइन हो गई या फिर ये ग्लास फर्नेस वाली फैक्ट्रीज़। एक एक्ट बना है जिसमें ये है कि बच्चे काम नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर हम ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो अभी भी फिरोजाबाद के अंदर लाखों बच्चे जो हैं वो इन्हीं ग्लास फैक्ट्रीज़ में हर समय चूड़ियाँ बनाते रहते हैं, एंड इसका उनकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। वो कुछ समय में ही है, जब वो बड़े होते हैं तब वो आई साइड उनकी चली जाती है, दे बिकम ब्लाइंड, बिकॉज जो ग्लास फैक्ट्री होती है उसके अंदर का जो एटमोसफेयर होता है बहुत ही अंधेरा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए उनकी जो आईज़ है उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो उसी बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे जो एक ग्लास फैक्ट्री में काम करता है, वो कहता है आई वॉन्ट टू बिकम अ मोटर कार ड्राइवर, मोटर कार मैकेनिक, सॉरी, उसने कहा मुझे एक मैकेनिक बनना है। तो ऑथर उससे पूछता है डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, तुम्हें कुछ पता है गाड़ियों के बारे में। तो बच्चा रिप्लाई करता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, देखो बच्चे की मासूमियत देखो, कहता है मैं कार चलाना सीख लूँगा। तो यहाँ वो दिखा रहे हैं अंदर से, जैसे हमारा साहिब चाहता था कि वो टेनिस सीख ले, वो स्कूल चला जाए, वैसे ही जो ये कौन है मुकेश है, ये चाहता है कि ये एक मोटर कार मैकेनिक बन जाए। और जो हमारा ऑथर है वो हमें बताता है ये जो उसका सपना है ना, इट इज़ अ मिराज। मिराज क्या होता है, रेगिस्तान में लोगों को पानी दिखाई देता है बट एक्चुअली में नहीं होता ना, तो ये सपना भी एक मिराज की तरह ही है जो फिरोजाबाद की डस्टी स्ट्रीट के अंदर ही गुम हो जाएगा। फिरोजाबाद क्या है, वही जगह जहाँ पे मुकेश रहता है, मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे इंडिया का सेंटर है ऑफ द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज।
ठीक है, फैमिली से लेके जनरेशन तक, बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे, हर जना इस फिरोज़ाबाद के अंदर किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस बिजनेस में, फर्नेस से बैंगल बनाने के और बैंगल की वेल्डिंग करने में, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े आदमी तक उनका एक ही काम है, क्या है, बैंगल बनाने का। ओके, ऑथर हमें यहाँ पे बताता है कि मुकेश की फैमिली को और बाकी सभी को किसी को नहीं पता है कि ये जो चाइल्ड लेबर है हैज़ार्डियस एक्टिविटीज़ के अंदर, ये इलीगल होगा, यानी कि ये जो फर्नेस के अंदर काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। अगर पुलिस और जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, उस लॉ को सही से इन्फोर्स करे तो ये 20,000 के 20,000 बच्चे जो इस फर्नेस के अंदर काम कर रहे हैं, इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं ग्लास मेकिंग की, वो बाहर निकल सकते हैं, वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ऑथर ने बताया है किस टाइप से इसके अंदर काम होता है, फैक्ट्रीज के अंदर हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा कांच जो है वो पिघल रहा होता है, डिंजी सेल्स होते हैं, यानी अंदर घुटन में बने हुए छोटे छोटे से कमरे होते हैंगे, वहाँ पे अंधेरा होता है बिल्कुल ही, और जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा अंधेरे में काम करते हैं कि बाहर की रोशनी में उनके आगे खुलती तक नहीं है। एंड जब वो बड़े होते हैं, जब वो अडल्ट होते हैं, तब तक जो उनकी आँखों की रोशनी है वही चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं, दे बिकम ब्लाइंड। तो ये हालत होती है बच्चों की जो ग्लास फर्नेस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तभी ये एक्ट इलीगल है, बट ये इन्फोर्स्ड अच्छे तरीके से नहीं है। अब मुकेश बहुत ही खुशी से कहता है ऑथर को अपने घर ले जाने के लिए, बुक में लिखा है ही वॉज प्राउड, क्योंकि उसका घर अभी रीबिल्ट हुआ था, रीबिल्ट मतलब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन उसमें हुआ था, वो बहुत खुश होता है कि मैं ऑथर को अपने घर लेके जाऊँगा। अब ऑथर जाता है हमारे मुकेश के घर पे, वही गलियाँ, वही गंदी मंदी गलियाँ आएंगी, ड्रेनेज नहीं है जहाँ पे, डस्टी गलियाँ, वो एक घर के आगे जाके खड़े होते हैं जिसका वो भी सा आयरन डोर होता है, यानी कि बिल्कुल ही अजीब सा एक आयरन डोर होता है, जो मुकेश है उसे अपने पैर से बैंग करता है और पैर से ही उस दरवाजे को खोल देता है। अब आगे देखते हैं कि कैसा एटमॉस्फेयर है मुकेश के घर के अंदर का, और वहाँ के उसके जो घर के मेम्बर्स हैं उनकी कैसी सोच है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे ही आयरन डोर खुलता है, हमारा ऑथर जो है मुकेश के साथ उसके घर पे पहुंचे और उसने उसे बताया हाफ बिल्ट शैक, वो कहता है कि वो आधा बना हुआ कच्चा मकान था, उस पर भी आप देखो मुकेश इतना खुश था कि उसके पास एटलीस्ट एक घर है, एक छत हैगी, और कोने में वहाँ पे फायरवुड जल रही होती है, यानी कि चूल्हा जल रहा होता है, और उस चूल्हे के ऊपर एक बड़े से कंटेनर के अंदर स्पिनच यानी कि पालक के पत्ते जो होते हैं उसकी वेजिटेबल बन रही होती है। पास में ग्राउंड में एल्यूमिनियम की बड़ी सी प्लेट के ऊपर और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई होती हैं। तो ये हमें सिनेरियो बताया, एग्जाम में आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना होगा ये वर्ड्स में कि किस टाइप से मुकेश के घर के अंदर का सीन था। और एक फ्रेल यंग वुमेन, एक बड़ी नाजुक सी यंग वुमेन, छोटी सी लड़की, 20-21 साल की लड़की आप मान लो, वो साड़ी में थी, घूंघट उसने ले रखा था, और उसके वो कौन थी, वो मुकेश का जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ थी वो, और उसी के ऊपर पूरी की पूरी ड्यूटी थी, वो पूरी फैमिली का खाना बनाती है। आप देखो एक छोटी सी लड़की, आजकल 20 साल की लड़की को हम क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं, वी वांट कि वो पढ़े, वो आगे ग्रेजुएशन करे, वो आगे जाके अपनी लाइफ पे पहले अपने पैरों पे खड़े हो, देन वो इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, देन वो शादी करे और अपना घर संभाले या जो कुछ भी वो करना चाहे। बट ये जो बच्ची, मतलब ऑलमोस्ट फ्रेल यंग वुमेन, ऑथर ने हमें बताने के लिए बताया कि वो भी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसके ऊपर ड्यूटी थी मुकेश की, मुकेश के भाई की, मुकेश के फादर की और उनकी ग्रैंड मदर की। एक अकेली बच्ची पूरे घर का सामान, खाना बनाती थी, सामान संभालती थी, सारा काम उस लड़की को ही करना पड़ता था। और छोटी सी उम्र में ही शी बिकेम बहू, वो बहू बन गई थी, यानी कि वो डॉटर इन लॉ बन गई थी, और 3 आदमियों की ड्यूटी उसके ऊपर थी। ठीक है, जैसे ही बड़े जो घर के बड़े एल्डर थे यानी कि मुकेश के जो फादर थे वो घर में घुसते हैं, तो वो टूटी हुई वॉल के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट जो है, वेल बुक में लिखा है, उसको आगे कर लेती है। बिकॉज इंडिया में ट्रेडिशन था और अभी भी कई जगहों पे ऐसा है कि जो घर के बड़े होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके सामने जो बहू है अपना घूंघट आगे तक करके रखती है, तो वो अपना घूंघट आगे कर लेती है। अब जो उसके फादर आते हैं, उसके फादर ने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी, ऐसा नहीं उन्होंने मेहनत नहीं करी, पहले वो टेलर रहे, फिर वो बैंगल बनाई उन्होंने, बट वो फेल करे, ही वॉज फेल टू रेनोवेट हिज हाउस, वो अपना हाउस एक बहुत पक्का हाउस नहीं बनवा पाए अपने लिए, ना ही वो अपने दोनों में से एक भी बच्चों को स्कूल भेज पाए। तो ही सेड दैट मैंने अपनी लाइफ में मेहनत तो बहुत करी है, हमारे को ऑथर ने बताया, उसके फादर ने, मुकेश के फादर ने लाइफ में मेहनत तो बहुत करी, पर ना ही वो अपना एक पक्का हाउस बना पाए और ना ही वो अपने बच्चों को क्या दे पाया, स्कूलिंग दे पाया। बट स्टिल ऑल ही हैड गिवन हिज चिल्ड्रन वॉज द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, वो कहता है मैंने अपने बच्चों को बस एक ही चीज़ विरासत में दी है,
यानी कि एक ही चीज़ मैंने उन्हें दी है कि मैंने उन्हें चूड़ियाँ बनाना सिखा दिया है। ग्रैंड मदर, जो उनकी ग्रैंड मदर होती हैं, वो इस समय पे कहती हैं, मुकेश की ग्रैंड मदर दादी वहाँ बैठी होती है, शी सेड इट इज़ हिज कर्मा। कर्मा इंडिया में कर्मा वर्ड होता है, हम सबको पता है कर्मा मतलब क्या होता है, कर्म, ये हमारे कर्म है। वो कहती है कि हम इस कम्युनिटी में बिलोंग करे हैं, ये चूड़ियाँ ग्लास की चूड़ियाँ बनाने वाली कम्युनिटी में हम बिलोंग करे हैं, हमारे यहाँ जन्म हुआ है और हम इसी जो ट्रेडिशन है, यही जो हमारा बिजनेस है, हमें इसी को फॉलो ऑन करना पड़ेगा, ये हमारा कर्म है, ऐसे उसकी ग्रैंड मदर कहती है। एंड उन्होंने जैसे अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा, उनके हस्बैंड भी एक टाइम पर ग्लास से चूड़ियाँ बनाते थे, वो भी ब्लाइंड हो गए, अब उनका बेटा भी होगा, उनका ग्रैंड डॉटर्स भी, ग्रैंड जो सन है वो भी यही काम करते करते एक टाइम पर ब्लाइंड हो जाएंगे। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने पूरी लूज कर दी अपनी होप, उनको कोई होप नहीं है कि कोई और प्रोफेशन वो अपना अपना सकते हैं या वो इस गरीबी में से बाहर आ सकते हैं, इस डल लाइफ में से बाहर आ सकते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी सिचुएशन। वो कहती है दिस इज़ अ कर्मा, और वो कहती है कैन आ गॉड गिवन लीनिएज बी ब्रोकन, यानी कि जो गॉड ने हमारी लीनिएज में यानी कि हमारी विरासत में गॉड ने ये लिखा है, हमारी जनरेशन के लिए जो गॉड है उसने यही लिखा है कि हम सब चूड़िया बनाएंगे, तो हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ हमें दिखाया गया है कि जो दादी माँ है वो कह रही है कि ये तो गॉड गिवन है, हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वो बताती हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं ना, पूरे फिरोज़ाबाद के जितने भी लोग हैं, उन्होंने बस एक ही चीज़ देखी है, बड़े बड़े स्पाइरल्स देखे हैं, अलग अलग कलर की बैंगल्स के, हर एक कलर की बैंगल्स हमने देखी है, रेड देखी है, गोल्ड देखी है, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल बैंगल्स हम सब ने देखी है। एंड ये हमारा कर्मा है कि हमें बैंगल मेकिंग का जो प्रोफेशन है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हमारा मुकेश की फैमिली का सीन कंप्लीट हो जाता है। अब ऑथर हमें एक और छोटी सी बच्ची के बारे में बताता है जिसका नाम है सविता, अ यंग गर्ल, जिसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है, इतनी अच्छी कंडीशन में वो ड्रेस भी नहीं होती है, और वो एक औरत के बराबर में बैठी होती है और ग्लास से को स्लॉन्डर कर रही होती है, यानी कि ग्लास को पिघला रही होती है और बड़े बड़े टोंग्स लेके ग्लास को यूँ चला रही होती है। वो कहते हैं उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे होते हैं और वो अच्छे तरीके से बैंगल बना रही होती है इतने गर्म ग्लास के आगे बैठ के, शी वॉज डूइंग हर वर्क, और उसके साथ में एक लेडी भी बैठी हुई थी। ऑथर कहता है क्या इस छोटी सी बच्ची को पता है बैंगल बनती क्यों है, उसका सिम्बलाइज क्या है, क्यों बनाते हैं बैंगल? तो ऑथर यहाँ हमें बताता है इंडिया के अंदर बैंगल किसका सिम्बल है, सुहाग का। जब लड़की की शादी होती है तो उसको बैंगल पहनाई जाती है, वो उसको सुहाग का एक सिंबल होता है कि वो शादीशुदा हैगी। वो कहता है कि अभी इस बच्ची को कुछ नहीं पता कि वो क्या है, चूड़ी क्यों बन रही है, एक दिन सडनली उसके ऊपर ये बॉम्ब फटेगा, उसे पता चलेगा, उसको सडनली रेड वेल पहना दी जाएगी, लाल घूंघट उसके सर पे डाल दिया जाएगा, उसके हाथ रेड है ना, यानी कि उसके हाथ पे मेहंदी लगा दी जाएगी और उसके हाथ में उस दिन वो रेड कलर की जब चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी और उसकी शादी कर देंगे टेक्निकली, उस दिन उसे पता चलेगा कि ये जो बैंगल्स मैं इतने समय से बनाती आ रही हूँ ये सुहाग की निशानी है, एंड ये उसको भी पहननी पड़ेगी और उसका जो ये लाइफ है वो भी इसी तरीके से मूव ऑन करेगी जैसे हमारी मुकेश की ग्रैंड माँ की और जो लेडी उसके बराबर में बैठी हुई थी उसके साथ एक टाइम पे हुआ था। दे सेड जो लेडी उसके बराबर में बैठी हुई थी उसकी आँखों में बिल्कुल भी चमक नहीं थी, उसके हाथ में चूड़ियाँ तो थी बट उसकी आँखों में कोई चमक नहीं थी, और वो बताती है ऑथर को एक वक्त सैर भर खाना भी नहीं खाया, कि आज तक उसने अपनी लाइफ में एक वक्त का पेट भर के खाना तक नहीं खाया है, पूरी लाइफ उन्होंने क्या करा है, चूड़ियाँ बनाई है और चूड़ियाँ बेची हैं, बट स्टिल उन्होंने आज तक एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है। और उस औरत के बराबर में उसका हस्बैंड बैठा होता है, बड़ी सी दाढ़ी होती है उसकी, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है, बट यस मैंने अपने घर वालों के सर पर छत दे दी है, आई हैव मेड द हाउस। तो ये बात सुन के ऑथर कहता है कि इज ही सक्सेसफुल, क्या ये सक्सेसफुल है आजकल लाइफ में, इतने लोगों को क्या करना होता है, सर पे छत ही तो चाहिए होती है, दे वॉन्ट अ रूफ। तो ये जो बियर्डेड मैन है, ये जो दाढ़ी वाला इंसान है, इसने अपने घर वालों के लिए एक हाउस तो बना दिया है, तो क्या ये सफिशिएंट है, डू यू थिंक इट इज़ सफिशिएंट? उसकी जो वाइफ है वो भी वही काम कर रही है, जो सविता है वो भी बैंगल मेकिंग का काम कर रही है, खाली हाउस होने से इज इट सफिशिएंट? तो वी ऑल नो द आंसर दैट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेकार हैगी, दे आर जस्ट फॉलोइंग दिस प्रोफेशन क्योंकि वो बाहर आ ही नहीं सकते हैंगे। ठीक है, अब इस चीज़ पे जो हमारा ऑथर है वो उन्हें सजेस्ट करता है कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव बना लो, यानी कि तुम अपनी एक यूनियन बनाओ सब मिलकर, और गवर्नमेंट से
कहो कि जो ये चाइल्ड लेबर का एक्ट है वो अब लग गया है, तो कुछ आप ट्राई करो कि आप लोग इस प्रोफेशन में से बाहर आ सको। और भी कई प्रोफेशन है जहाँ पे आप कमाई कर सकते हो। एक तरीके से ऑथर ये कहना चाहता है, ऑथर कहता है कि कोई कोऑपरेटिव बनाओ। तो उस चीज़ पे उसको रिप्लाई क्या मिलता है, अगर हम कोऑपरेटिव बना भी लेंगे तो पुलिस हमें ही उठा के जेल में डाल देगी। एक बहुत लंबी चेन है, साहूकार होते हैं मिडल मैन, साहूकार लिखा है बुक में, मिडल मैन की चेन है, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। अगर जिस दिन कोऑपरेटिव बन गई तो ना तो उनके पास कोई लीडर है जो उन्हें लीड करेगा, जो उनके लिए लड़ेगा, और अगर उन्होंने बना भी ली तो क्या होगा, उन्हें मार पीट के जेल में डाल दिया जाएगा। तो दिस शोज़ देयर मोनोटोनस लाइफ, उनके पास कोई रे ऑफ होप नहीं है। एक फैमिली ने तो कह दिया, मुकेश की फैमिली की दादी माँ ने कह दिया कि उनका कर्म है और गॉड गिवन लीनियज है, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। दूसरी फैमिली ने कह दिया कि अगर हम कोऑपरेटिव सेक्टर बनाएंगे तो पुलिस है, मिडल मैन है, साहूकार से ये हमें जेल में डाल देंगे और हम इस ग्लास मेकिंग बिजनेस से बाहर नहीं आ सकते हैं। इन्होंने अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लिया है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बट येस, वो मुकेश तो वो छोटा बच्चा है, वो चाहता है अभी भी, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक। और उस समय पर अब हम के एंड पे आ गए हैं, ऑथर उससे पूछता है कि डू यू वॉन्ट टू फ्लाई प्लेन्स, ऑथर से पूछता है तुम्हें प्लेन उड़ाने हैं, तो हमारा जो मुकेश है वो नीचे ज़मीन पे देखता है और वो मना कर देता है। नो, उसकी जो ड्रीम्स है वो हवा में नहीं उड़ा है, यहाँ पे हमें ये बताया, ही वॉन्ट्स टू हैव एक्चुअल ड्रीम, उसे असलियत में उसे हवा महल नहीं बनाने हैं। सेड नहीं, मुझे एयरप्लेन नहीं उड़ाना है। हाँ, मैंने फिरोज़ाबाद में कई बार एयरप्लेन उड़ते हुए देखे हैं, जो फिरोज़ाबाद जो टाउन है, कभी कभी उसने वहाँ पे से, जैसे हमें दिखते हैं ना अपनी छत पे से एरोप्लेन जाता हुआ, उसने भी देखा है कभी कभी। बट ही सेड नहीं, मुझे एरोप्लेन नहीं उड़ाना आएगा, मुझे बस मोटर कार इंजीनियर ही बनना है। बस उसे वो ग्लास फर्नेस वाली फैक्ट्री को छोड़ना था और एक मोटर कार मैकेनिक बनना था। तो दिस शोज़ अस दैट उसने, एक छोटे से बच्चे ने भी कोई हवा महल नहीं बना रखे थे, उसने एक सॉलिड ड्रीम चूज़ करी थी एंड वो उसे उसको अचीव करना था। तो विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को बहुत डीप मीनिंग है इस चैप्टर का, लॉस स्प्रिंग, यहाँ हमें वैल्यू पता चली है, जो एजुकेशन सिस्टम हमें प्रोवाइडेड है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है, उसकी वैल्यू हमें पता चली है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके इसके ऊपर, आपको यही आएगा पहले तो ये ग्लास फर्नेस वाले का, मुकेश की ड्रीम के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, जो गॉड गिवन लीनियज है इसके ऊपर जो शॉर्ट आंसर्स है वो आते हैं। तो वो सब क्वेश्चन आंसर्स आपको मेरे इंस्टा आईडी पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो विद दिस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, एंड अगर आपको क्लास 12 की इंग्लिश पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गए मैंने, आप देख सकते हो, वहाँ से जाके सारे के सारे चैप्टर्स इंग्लिश के हैं। एंड इनफैक्ट इंग्लिश के ही नहीं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपके पास है, प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। एंड नोट्स चाहिए तो इंस्टा से आपको मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई यू। सेकंडली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट एंड वैल्यू योर एजुकेशन दैट यू हैव गॉट, दिस इज द लेसन दैट वी गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो एंड जो फ्रूट तुम्हें मिला है उसको यूटिलाइज करो। सो बाय बाय, टेक केयर।